नॉट ओनली बोरुटो ने अपने एंटायर फैमिली को खोया, सास्के भी अब धीरे धीरे मर रहा है। पहले ही बोरुटो दी स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, लेकिन वो अपने सेंसे को ना बचा सका। मोबुशिकी की प्रोफेसी अब ट्रू हो चुकी है, क्योंकि सास्के अब मोर पावरफुल है, एक नए रेनेगान और एक नए हाथ के साथ। दिस मीन्स कि बोरुटो का लाइफ अपडेट और बेकार हो चुका है, और ये जस्ट शुरुआत है उन चीजों का जो कि अभी हम रिवील करेंगे। टेन टेल्स इवॉल्व हो चुका है बोरुटो के उन वर्ड्स को ट्रू बनाते हुए जो कि उसने हमें चैप्टर 2 में कहा था कि क्लॉग्राइम अपने आप में ही कॉन्शियसनेस में आएंगे, जिसका आगे जाके एक वर्स्ट फ्यूचर होगा। हाउएवर, लेकिन कोड जो कि एक इडियट है, उसे लगता है कि बोरुटो झूठ बोल रहा है। कोड 2 साल पहले भी एक जोकर था और अभी भी वो एक जोकर है। रिमेम्बर कि वो उत्सुत्सुकी को पूछता है जो कि बोरुटो खुद है, और ये चीज हमें मेंशन भी था इन चैप्टर 4। येट ये डमास कोड इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, जो कि हमें लेके आता है बोरुटो में, जहाँ पे उसका फ्रॉग कह रहा है कि वो टाइम यूज कर रहा है। कवाकी कह रहा है कि एक मिनट, ये बात किससे कर रहा है? Come on, man, that's... He's probably got like schizophrenia or something. Just like chapter 76 की तरह, जहाँ पे वो मोमोशिकी के साथ बात कर रहा था, लेकिन अभी at this moment बोरुटो अपने फ्रॉग से बात कर रहा है। देवफो अपने आप को उधर टेलीपोर्ट करते हुए, और क्या बोरुटो ने यहाँ पे आने के लिए कार्मा सील को यूज किया? नहीं। देन क्या प्योर आई, जो कि हमें पता भी नहीं है कि वो कैनन है या नहीं, ये उसका नया पावर है, फ्लाइंग थंडर गॉड। और आखिर बोरुटो ने इसको सीखा कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। ये प्रूव करता है कि बोरुटो चैड है, उसने मिनाटो के जीन्स को इनहेरिट किया है। उसे एक दूसरा वे चाहिए था कि वो कैसे एक अल्टरनेट फेस से डायमेंशन ट्रैवल करे, ताकि वो कोड को ट्रैक डाउन कर सके, क्योंकि सास्के का रेनेगान, यू नो। नाउ शायद से तुम वंडर कर रहे हो कि आखिर बोरुटो ने अपने कार्मा सील को ही क्यों यूज नहीं कर दिया। इनफैक्ट हमने पास्ट में भी देखा है कि वो अपने कार्मा सील को अपने विल के अकॉर्डिंग यूज भी कर सकता है। वेल, आंसर ये है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। मोमोशिकी की कॉन्शियसनेस और ज्यादा बढ़ते ही जा रही है, जो कि हमें मेंशन था इन चैप्टर 76। और अगर ऐसा होता है देन वो उसके बॉडी पे टेक ओवर कर सकता है, जिसका हमें रिजल्ट पास्ट में कई बार दिख चुका है। लेकिन बोरुटो ये मेंशन करता है कि उसका ये न्यू टेक्निक बिल्कुल मिनाटो की तरह स्किल्ड नहीं है। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होगा कि ये नया स्किल कहीं ना कहीं बिल्कुल टोबीरामा के ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु जितना ही है, लेकिन एट द कॉन्ट्ररी ये भी काफी गोटेड जुत्सु है। कहीं ना कहीं बोरुटो का बेस फॉर्म नारुतो के बारियन मोड से मैचअप हो रहा है। इस नए सीन के साथ बोरुटो कोड से कहता है कि आखिर टेंटेल्स है कहाँ पे। कोड अपना सिर घुमाता है और ये देखता है कि टेंटेल्स वहाँ पे है ही नहीं। कासिन कोजी का टोड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कोड अपने आप में ही टेंटेल्स को कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस चीज के लिए काफी ज्यादा डम है। Place, trash. Well, हम ये देख सकते हैं कि उस टोड के पास कोनोहा का सिंबल है। Yes, उसके कपड़ों के ट्रिप का अपने आप ही एक पर्पस भी है। इस मार्क के साथ कहीं न कहीं फॉर्मूला सेट है, जिसकी मदद से वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। That's how वो एक दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो पाया। ये अगेन एक साइन है कि बोरुटो कब का नारुतो और सास्के के प्राइम लेवल में पहुंच चुका है। ये सिमिलर फीट हमें नारुतो शिपुडन के लास्ट में दिखा था, जब नारुतो और सास्के एक दूसरे को डायमेंशन पार सेंस कर पा रहे थे, और अचानक से हमें ये दिखता है। यकीन करो या नहीं, लेकिन ये बग है। You know, बग जिसके पास दुनिया का सबसे बेकार जॉब था, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट एक उत्सुत्सुकी गॉड्स को ट्रैक कर रहा था, जो कि उसे कभी भी मार सकते थे। रिगार्डलेस, बोरुटो ये चीज रियलाइज करता है कि यहाँ पे काफी देर हो चुकी है। वर्स्ट फ्यूचर जो कि इमेजिनेबल था, अब वो टेक प्लेस कर रही है। क्लॉग्राइम अपने आप में ही अब सेंस में है। 2 चैप्टर पहले की बात है, ये क्लॉग्राइम अपने आप में ही एक सेंटेंस बोल पा रहे थे। ये क्लॉग्राइम अनस्टॉपेबल तरीके से बस लोगों पे अटैक कर रहे थे। दैट्स द रीजन कि अब इनका इंटेलेक्ट भी काफी ऊंचाइयों पे है। बग बोरुटो के ऊपर अटैक करता है, उसे दीवारों की तरफ धकेलते हुए। बग बोरुटो को कहता है कि क्या वो इधर इसलिए आया है ताकि वो उनका ब्रेकफास्ट बन सके। उत्सुत्सुकी बोरुटो कोड बोरुटो से कहता है कि वो उसे एक्सप्लेन करे। मीनवाइल जब वो जमीन में गिर रहा है, रिमेम्बर वो लास्ट चैप्टर उज़ुहिको से अफेक्ट हुआ था। इस स्टेट में कोड को देखते हुए, वो पहले ही यूजलेस था और वो अभी और यूजलेस है, बोरुटो उसे उज़ुहिको से डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि वो दोनों अब मिलके इन शिंजू से फाइट कर सके। नाउ अब हमें दिखता है एक नया शिंजू जो कि आसमान में फ्लोट कर रहा है। वेल, आई डोंट थिंक कि मैं अकेला बंदा हूँ जो कि ये सोच रहा है कि ये चिगेन की तरह दिखता है। ए, ए,
He said it. उसके पास इवन उत्सुत्सुके टोमोई टैटूज भी है और ये एक ऐसी चीज है जिसे हमने नोटिस किया जो कि बाकी शिंजू के पास नहीं है। प्लस वो एक लौता उनमें से एक है जो कि लेविटेट कर रहा है, जो कि हमें पता है एक नेचुरल एबिलिटी है फॉर उत्सुत्सुके। ये एक फैक्ट है कि इशिकी ऑफ कोर्स एक पेड़ में नहीं बना था, क्योंकि हमने देखा था कि उसका बॉडी लिटरली एक धूल बन गया था। वो मेंशन करता है कि एज ये प्लेनेट में जितनी भी लाइफ है उन सारे लाइफ का डेटा चाक्रा फ्रूट पे है। इशिकी का डीएनए कहीं ना कहीं अभी भी टेंटेल्स के थ्रू ऑब्टेनेबल है। इनफैक्ट इशिकी उसी टेंटेल्स का ओनर था, सो ये काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि टेंटेल्स ने अपने ओनर के मॉडल को कॉन्शियस में लाया है। इधर वे टेंटेल्स ने अपने आप में ही एक आर्मी क्रिएट कर ली है उन सारे लोगों से जो कि ट्री बने थे। वो हाईलाइट करते हुए उसी मेथड को जो कि इडियोटिकली कोड ने अप्लाई किया था। अब इन क्लोग्राम्स का मकसद है कि वो समथिंग सुपीरियर ढूंढे इवन देन चाक्रा फ्रूट नॉलेज। वापस लेके आते हुए बोरुटो के मेन थीम में कि आखिर टेक्नोलॉजी अपने आप में ही सही है या फिर गलत। कहीं ना कहीं ये एक सोशल कमेंट्री है एआई के ऊपर जो कि अभी रिसेंटली अपराइज हुई है। ये हमें दिखाती है उसी टेक्नोलॉजी को जो कि इवन फास्ट ग्रो हो रही है फ्रॉम द ह्यूमंस। और क्या होगा अगर यही सेम टेक्नोलॉजी हम एक माइंडलेस पर्सन को दे दे। इन अ नॉर्मल केस उत्सुत्सुके पावर से अट्रैक्ट होते हैं, वो प्लैनेट्स को कॉन्कर करते हैं तो गॉड ट्री को कल्टीवेट करते हुए। लेकिन ह्यूमैनिटी ऑन द अदर हैंड वो इन पावर को यूज करती है ताकि वो सारे एक साथ ग्रो हो। यही वो तरीका था जिसके थ्रू नारुतो ने पूरे वर्ल्ड को यूनाइट किया। अब यही सिंचूस ह्यूमैनिटी के उन्हीं वैल्यू को यूज करके अपने आप में ही ग्रो कर रहे हैं। वो इवन उत्सुत्सुके आउटलुक को भी सरपास कर रहे हैं। वो अपने आप को बेटर और दूसरे मेथड से ग्रो कराते हुए, जो कि ऑफ कोर्स एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। मीनवाइल कोनोहा में एक हीटेड कन्वर्सेशन चल रहा है। कवाकी को लगता है कि बोरुटो और कोड एक साथ काम कर रहे हैं। रिमेम्बर इन चैप्टर 3 बोरुटो ने ये मेंशन किया था कि कोड और वो एक नेगोशिएशन के बीच में है। कवाकी इस चीज से क्लियर नहीं था कि आखिर मसला क्या है। सरादा यहाँ पे आके ये कहने का ट्राई करती है कि हमें शायद से बोरुटो को समझना चाहिए और हम कहीं ना कहीं आयडा से ये चीज कन्फर्म करा सकते हैं। और रिगार्डलेस बोरुटो के इंटेंशन की, कवाकी कहता है कि बोरुटो उत्सुत्सुके है और उसे रिगार्डलेस उसके इंटेंशन मरना ही पड़ेगा। Brother, this guy stinks! लेकिन किशिमोटो सिंस वो एक जेनियस राइटर है वो इस हिपोक्रेसी को हाईलाइट भी करते हैं। एज फ्यूचर होकागे सरादा ये कहती है कि वो भी सेम है। सो एट द एंड ऑफ द डे कवाकी को भी शायद से। देन हमें पता चलता है कि सास्के कि डेथ हुई ही नहीं। सरादा ये क्लेम करती है कि शायद से कहीं ना कहीं सारे लोग अभी भी अलाइव है और अभी भी उनके पास टाइम है कि वो कहीं ना कहीं बोरुटो के साथ कोऑपरेट करे और ये सारे सिचुएशन में संग डील करे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सारी चीज असाइड फिर सीन आता है बोरुटो में जहाँ पे वो बिल्कुल शॉक है और तब एक नया शिंजू अपीयर होता है और ये लास्ट इंसान है जिसको बोरुटो को आज देखना था, सास्के। That's right, Batman Sensei एक पेड़ बन चुका है। इस टाइम स्किप के बीच में कोड और बोरुटो के बीच में एक लड़ाई हुई थी जहाँ पे बोरुटो को भागना पड़ा था और यही वो टाइम था जब सास्के अनलकीली खुद एक पेड़ बना। हम सब चाहते थे कि सास्के का रेनेगान और हाथ वापस आए, लेकिन आखिर उसका कॉस्ट क्या निकला। इस सिंजू के पास उनका डीएनए है और उनके स्किल्स है, सो एट द बायोलॉजिकल लेवल ये अपने आप ही उन्हीं शिनोबी के बराबर है। दैट्स द रीजन कि इस नए क्लोन के पास एक्सट्रीमली पावरफुल शिडोरी है। इसके पास अपने आप में ही ये एबिलिटी है कि वो अपने हाथों को लॉन्ग ब्लेड में टर्न करे। तुम्हें क्या लगता है आखिर ये बोरुटो का नया प्लॉट ट्विस्ट आखिर कैसा है? लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा एंड तुम्हें क्या लगता है आखिर बोरुटो आगे क्या कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।